राजस्थान प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी का धन्यवाद देना चाहूंगा और प्रभारी मंत्री जी का भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर एक बिल लेकर आए, राजस्थान भू जल संरक्षण और प्रबंध प्राधिकरण विधेयक 2024। आप उससे बोले ना माननीय अध्यक्ष महोदय, पानी पे जब चर्चा हो उसमें बोले ना, जिस प्रकार से समय इतना है, राजस्थान सरकार का बजट को आवश्यक नहीं है बैठिए, जो आया उसमें सर्वजन हिताय और विकसित राजस्थान 2047 की कल्पना को लेकर जो 10 संकल्प लिए थे उसमें पेयजल के लिए व्यवस्था करने के लिए जो एक ठोस कदम के लिए एक्ट लाया है, मैं पहले तो इसका स्वागत अभिनंदन करना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रभारी मंत्री जी का। जैसा इसमें इस बिल के उद्देश्य को पढ़ा कि राजस्थान में पेयजल की और पानी की कमी है और इस कमी को लेकर ऐसे बिल का लाना आवश्यक था और उसमें भूजल जो ग्राउंड वाटर है उसके लिए ये बिल आए हैं। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय इसमें 2-3 प्रावधान जिस प्रकार से माननीय मंत्री जी बैठे, मैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा, जिस प्रकार से आपने मुख्य सचिव अध्यक्ष को मुख्य सचिव स्तर के या प्रमुख शासन सचिव जल संसाधन में इस स्तर के लिए, लेकिन सेवानिवृत्ति के बाद में या तो 65 ईयर्स या 3 वर्ष का कार्यकाल, इसके 65 की जगह 70 वर्ष करें तो उनका कोई न कोई इस समकक्ष आने वाले अगर अधिकारी होंगे तो उनको किसी और को भी मौका मिलेगा, नहीं एक साथ में ही जो रिटायर होते हैं और अच्छे कोई अधिकारी होते हैं तो उनको मौका नहीं मिलेगा, इसलिए इसमें ये प्रावधान थोड़ा सा करना चाहिए। मैं सिर्फ आपका ध्यान इसमें आकर्षित करना चाहूँगा, जिस प्रकार से आज ग्राउंड वाटर की चर्चा हो रही है, मैं क्योंकि हमारे पूर्वज जहाँ पर ग्राउंड वाटर था वहाँ पर नदियों के किनारे बसे थे और नदियों के किनारे बसने का मतलब ग्राउंड वाटर वहाँ पर था, कुएं खोदते थे, कुओं में से पानी निकलता था, लेकिन कालांतर में जगह जगह पर डैम बन गए और डैम बने तो और डैम बनने के कारण उस जहाँ पर प्राकृतिक बहाव था वहाँ का भूजल स्तर पूरी तरह से नीचे आ गया। तो मैं माननीय अध्यक्ष महोदय आपसे निवेदन करना चाहूँगा, जिस बिल को लेकर यहाँ आए हैं हमें इसमें ये प्रावधान करना चाहिए, जितने भी बांध डैम बने हैं उसके जो प्राकृतिक बहाव में आने वाले जो गांव है उनके नीचे नदियाँ बहती है उनका संरक्षण करते हुए उस डैम में 15% पानी 20% पानी छोड़ने की एक व्यवस्था इस बिल में होनी चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय इस बिल पर तो थोड़ा बोलने दीजिए, ऐसा बिल लाए, गंभीर बिल लाए भाई, 25 लोग हैं, 25 है लेकिन बिल पर तो बोलने वाले लोग बोल रहे हैं, यही तो हमारी पानी पे चर्चा विधायक लोग आज कैसे बोलेंगे और इस पर भी आप अगर